नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं INS विशाल के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ऐसा कि आप सब जानते ही होंगे, INS विशाल को लेके इंडियन नेवी एक वार्ता में थी ब्रिटेन के साथ, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन को ऑप्ट करने की प्लानिंग चल रही थी। और इसको लेके इंडियन नेवी के पर्सनल्स ब्रिटेन के ऑफिशियल से वार्ता में थे, और जनरल पब्लिक डोमेन में ऐसा अज्यूम किया जा रहा था ब्रिटेन का जो करंट HMS क्वीन एलिजाबेथ का डिजाइन है, जो कि प्राइमरली वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट को सर्विस करता है, दिया गया है। और जिसको लेके इंडियन मीडिया में काफी क्यूरियोसिटी थी कि क्या इंडियन नेवी वर्टिकल एयरक्राफ्ट को ही ऑप्ट करने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो नेवी के एमका और इंडिया के ही जो अदर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अभी INS विक्रमादित्य से ऑपरेट होते हैं, जैसे कि MiG-29K, तो इन एयरक्राफ्ट का क्या होगा। लेकिन इससे जुड़ी एक नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन के दौरान, जो कि 2007 में किया जा रहा था, तो उस दौरान इसको लेकर दो डिजाइन बनाए गए थे, जिसमें से एक डिजाइन CATOBAR लॉन्चिंग सिस्टम को केटर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि जो दूसरा डिजाइन था और उसमें किसी भी तरह का CATOBAR सिस्टम नहीं दिया गया था, सिर्फ वर्टिकल लैंडिंग का प्रोविजन था। तो अपने फंड में लिमिटेशंस की वजह से, और इस बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि उस दौरान UK के पास जो फंड लिमिट था एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने का, वो एक लिमिटेड अमाउंट में था। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन को लेके जो वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन था उसे ऑप्ट किया, जबकि जो सेकंड डिजाइन था उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था फंड लिमिटेशंस की वजह से। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो वार्ता चल रही है INS विशाल के डिजाइन को लेके, वो मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड डिजाइन वहां पे उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, वही इंडिया ब्रिटेन से डील करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो INS विशाल में जो लॉन्चिंग सिस्टम होगा वो कैटापल्ट लॉन्चिंग सिस्टम दिया जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन नेवी ये देख रही है कि INS विशाल में, यानी कि इस डिजाइन में और इम्प्रूवमेंट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमल सिस्टम लगाया जाए, जिस सिस्टम को प्राइमरली US ने डेवलप किया था, कहीं इंडिया INS विशाल में जो फुल विड्थ है स्की जंप के लिए उसे ड्रॉप करके ईमल सिस्टम को ऑप्ट करेगा। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो शॉर्टेज की परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है, जो कि कन्वेंशनल CATOBAR सिस्टम में लॉन्चिंग और अरेस्टिंग एयरक्राफ्ट की लाइफ जो होती है वो डिग्रेड होती है, डिप्रिशिएट होती है हर शॉर्टेज के बाद। तो इन सब लिहाज से भी ये काफी बेनिफिशियल होगा कि इसमें ईमल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिपोर्ट किया था कि ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कॉस्ट थी वो तकरीबन $8 बिलियन के आसपास थी, और उसमें अगर आप CATOBAR सिस्टम लगाते तो वो तकरीबन $2 बिलियन और बढ़ जाता। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने CATOBAR सिस्टम को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था। तो बेसिकली कोई भी CATOBAR सिस्टम या फिर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट को एक कैरियर डेक से लॉन्च करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया था, जो कि प्राइमरली दोनों फंक्शंस के लिए बनाया गया होता है। पहला शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग, और दूसरा कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी, जो कि CATOBAR सिस्टम है। तो ये दोनों तरह के टास्क परफॉर्म करने में सक्षम होता है कोई भी CATOBAR सिस्टम। तो बेसिकली किसी भी कन्वेंशनल कैरियर बेस्ड फाइटर को लॉन्च करने के लिए CATOBAR सिस्टम में जो पिन का मूवमेंट होता है उसे पावर किया जाता है स्टीम से, लेकिन ईमल सिस्टम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में, उस पिन को कंट्रोल किया जाता है लीनियर इंडक्शन मोटर से, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉर्टी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में सक्षम होता है, जो कि ज़्यादा वेट कैरी कर रहे होंगे। और इसके और भी अदर एडवांटेज हैं जो कि INS विशाल में इंप्लीमेंट करने से इंडियन नेवी को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी भी कन्वेंशनल कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम के यूज के कंपेयर में ईमल सिस्टम के यूज से, जो कि कम स्पेस लेता है, इस सिस्टम का वेट कम है, इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम है, और इसमें जो मैन पावर इन्वॉल्व्ड है, क्रू इन्वॉल्व्ड है, उसकी संख्या कम होगी, और किसी भी एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग पिन को प्रोपेल करने के लिए जो स्टीम बनाना पड़ता है, उस स्टीम बनाने का टाइम जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करके यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर को चार्ज करने के लिए पावर चाहिए उसको रिचार्ज करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी क्विक है, और ये सिस्टम आप कह सकते हो कि काफ़ी रिलायबल है। जैसा कि मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा कि वहाँ पे किसी भी एयरक्राफ्ट लॉन्च पिन को मूव करने के लिए तकरीबन 610 किलोग्राम स्टीम की आवश्यकता पड़ती थी एक लॉन्च के लिए, और इतने स्टीम को बनाने में एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन जाता था। लेकिन अब जैसे कि आप सब जानते होंगे INS विशाल एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए इसके पास किसी भी ईमल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए जो पावर चाहिए होगी वो सफिशिएंट होगा, और ये सक्षम होगा बहुत सारे हैवी एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च करने में। अगर आप स्पेशली बात करते हो नेवी एमका की, तो उस लिहाज से भी एक ईमल सिस्टम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि नेवी एमका भी अपने फुल लोड कैपेसिटी में काफ़ी हैवी होने जा रहा है। और ईमल सिस्टम को यूज़ करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। जैसे कि किसी भी कन्वेंशनल कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम में स्टीम बनाने में जो एनर्जी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है, और उतनी ही एनर्जी में तकरीबन 80% से ज़्यादा लीनियर इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए ईमल्स को चार्ज किया जा सकेगा। तो इंडियन नेवी द्वारा HMS एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन की तरफ जाने को लेके
काफी क्रिटिसिज्म था, ये एक वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट डिजाइन यूज करता है, इंडिया के जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जो कि अब जाके नए फैक्ट्स के थ्रू क्लियर हो रहे हैं कि इसका जो सेकंड डिजाइन है वो ऑप्ट किया जा रहा है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी के बस लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।